बिहार में महागठबंधन तोड़ने और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की जो वजह नीतीश कुमार ने बताई है वो ये है कि वो अपने छवि पर दाग नहीं लगने देना चाहते, मगर नीतीश कुमार की खुद की पार्टी जेडीयू के आधे से ज्यादा विधायक दागी हैं। एडीआर इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के 243 में से 142 यानी कि 58.4% विधायक दागी हैं। इनमें से 98 विधायक यानी बिहार के 40% विधायकों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, सांप्रदायिक दंगे, अपहरण, महिलाओं के ऊपर अत्याचार संबंधित अपराध शामिल हैं। अगर हर दल पर नजर डालें तो जेडीयू के 71 में से 37, बीजेपी के 53 में से 34, आरजेडी के 80 विधायकों में 46 और कांग्रेस के 27 में 16 विधायकों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। बिहार के कुल 11 विधायकों ने अपने ऊपर हत्या से संबंधित मामले घोषित किए हैं। इनमें आरजेडी के 4, जेडीयू के 2 और बीजेपी का 1 विधायक शामिल है। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के साथ साथ बिहार कैबिनेट के 25 में से 15 विधायकों पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें से 9 आरजेडी के, 4 जेडीयू के, कांग्रेस के 1 और 1 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। अब देखना ये होगा कि जो नई कैबिनेट बनेगी उनमें से कितने नेता दागी होंगे और कितने साफ। नमिता सिंह की रिपोर्ट, गो न्यूज़।